ये कहानी है एक सीईओ की, जो कि एक सीईओ जो बहुत ज़्यादा बुढ़ा हो जाता है, उसकी उम्र हो जाती है और फिर वो सोचता है कि मैं नया सीईओ किसे बनाऊँ। तो वो क्या करता है, अपने सभी मैनेजर्स को बुला के उन्हें एक टास्क देता है और कहता है कि जो इस टास्क को जो कंप्लीट कर लेगा, जो उसमें पास हो जाएगा, उसी को मैं नया सीईओ बनाऊंगा। तो उन्हें एक ये टास्क दिया जाता है कि एक गमला रहता है, उसमें सभी को बीज दिया जाता है और कहता है कि जो इसमें जो पानी डालकर 6 महीना वक्त मिल रहा है, जो जितना जल्दी बड़ा कर पाए 6 महीना में, जिसका ज़्यादा बड़ा पौधा होगा उसी को मैं नया सीईओ बनाऊंगा। सभी लोग खुश हो जाते हैं, चलो ये टास्क मिला, अगर मैं इसमें कंप्लीट कर पाऊँ। सभी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, घर ले जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं। जब देखते हैं 2 महीना 3 महीना गुजर गया, देखने की पौधा बड़ा ही नहीं हो रहा, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि बाज़ार से खरीद के ला के उसमें लगा देते हैं। उसमें से एक लड़का होता है विपिन, जो कि ये भी अपनी पत्नी को यही बोलता है कि बड़ा तो नहीं हो रहा, चलो मैं भी बाज़ार से खरीद के ला के इसमें लगा देता हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है, देखिए ऐसा मत कीजिए, हमें ईमानदार रहना चाहिए, शायद कुछ मैनेजर ने इसमें कुछ वर्क दिया होगा, जो चीज़ सही शायद इसमें बीज नहीं डाला होगा या कुछ हुआ होगा, तो हमें कुछ मत कीजिए, रहने दीजिए, आप जब ऐसा हो तो आप खाली इसको लेके जाइए। जब 6 महीने का वक्त पूरा होता है तो सभी लोग जो है अपने अपने बड़े बड़े पौधे जो कि बाज़ार से ख़रीदा हुआ लगा कर उसको लेके जाते हैं, और वो भी जो उसी बीच में विपिन लेके जाता है खाली खाली जो गमले को, सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं मीटिंग हॉल में। तभी जो है वहाँ पर बुढ़ा सीईओ आके कहता है, हंसो मत, यही नया सीईओ बनेगा, क्योंकि आप सभी को पता नहीं, मैंने जो गमले दिया था उसमें जो बीज था सभी बीज मरे हुए थे, फिर पौधा कैसे बन सकता है। तो आप सभी ने जो है इसमें एडजस्टमेंट किया या बाज़ार से खरीद के लगाया, तभी ये पौधा बड़ा हुआ है, ठीक है। तो नया सीईओ जो है विपिन ही बनेगा, क्योंकि उसने ईमानदारी निभाई। सो थॉमस जेफरसन भी कहते हैं, हॉनेस्टी इज़ द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ विजडम, है ना। तो हमें हर एक चीज़ में ईमानदार होना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, किसी भी फील्ड में हो, ईमानदारी पूर्वक रहेंगे ना तो आपकी वैल्यू होगी और आप कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में। सो हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। थैंक यू।